हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने फाइलम एस्केलमेंथेस ख़त्म कर लिया था एंड नाउ वी विल स्टार्ट फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा इसका नाम क्यों पड़ा? इसको रिंग और सेगमेंटेड वॉर्म बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रीक में एन्युलस मीन्स रिंग, लिटिल रिंग एक्चुअली, ठीक है? तो इट हैज सेगमेंटेड बॉडी। सेगमेंट जो होता है इसके अंदर वो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों ही होता है। लेट मी एग्जांपल में अर्थवॉर्म, आप सबने अर्थवॉर्म देखा होगा, इट इज़ अ फ्रेंड ऑफ फार्मर। तो आपने जब उसको देखा होगा तो बाहर से आप उसमें ऐसे रिंग, ये है जैसे दिस इज एन अर्थवॉर्म, और उसके बॉडी पे आप ऐसे छोटे 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 रिंग जैसा स्ट्रक्चर इक्वल डिस्टेंस से प्रेजेंट होता है ऐसे, ठीक है? 100 से लेकर 110 रिंग्स प्रेजेंट होते हैं इनके बॉडी में थ्रू आउट। तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सेगमेंटेड वॉर्म। और सेगमेंट जो होता है सिर्फ बाहर ही नहीं दिखता है, जब आप इसे कट ओपन कर देंगे तो उनके अंदर भी सेगमेंट्स ऐसे ही दिखते हैं। तो सेगमेंट्स आर प्रेजेंट बोथ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। और यही इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान सब हमने ऑलरेडी पढ़ा है। दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है, एनस माउथ, गट वॉल, बॉडी वॉल। इट हैज टू ओपनिंग विद टू ट्यूब, एक तो ये वाला हो गया और एक ऐसा हो गया, जैसे पेन में पेन के अंदर रिफिल होता है वैसे ही। तो टू ट्यूब्स। सिमेट्री, बाइलेटरल, जो कि हमने प्लैटीहेलमिंथस से ही पढ़ा था, बाइलेटरल सिमेट्री, दोनों इक्वल हाफ होते हैं अगर एक ही प्लेन में कट करो तो। सो सीलोम, ये क्या है? ट्रू सीलोम है, सीलोमेट है, ट्रू सीलोम प्रेजेंट। सिलो मतलब क्या होता है? कैविटी। तो ट्रू सिलोम किसे कहते हैं? कैविटी इज द लाइन बाय मेसोडर्म फ्रॉम बोथ द साइड। बोथ साइड क्या होगा? मेसोडर्म लाइन करेगा। क्यों? क्योंकि मेसोडर्म स्प्लिट हो जाता है। और ये जो सिलोम कैसा तरह का होता है? शाइजोसिलोम, क्योंकि मेसोडर्म अपने आप स्प्लिट हो जाता है। हमने पढ़ा है ना कि सिलोम दो तरह का होता है, शाइजोसिलोम एंड एंटरोसिलोम। शाइजोसिलोम में क्या होता है? मेसोडर्म अपने आप को खुद ही स्प्लिट कर लेता है और ऐसे एक थोड़ा सा वो एक्टोडर्म के अंदर लाइन करता है और एंडोडर्म के ऊपर, और बीच में ऐसे स्पेस रह जाता है लाइक दिस। सो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, तो ये गट वॉल है, यहाँ पे कुछ मेसोडर्म यहाँ प्रेजेंट होगा और किच मेसोडर्म इधर एक्टोडर्म के नीचे लाइन होगा, बीच में स्पेस होगा, जिसे क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। सो ये जो सीलोम है वो कैसा है? साइजो सीलोम, जो यहीं से ही स्टार्ट होता है, साइजो सीलोम स्टार्ट फ्रॉम यर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से ही स्टार्ट होता है ट्रू सीलोम।
नेक्स्ट हैबिटेट टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक बोथ. टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक में दो ऑप्शन होता है, ये फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है एंड मरीन वाटर में भी पाया जाता है. नेक्स्ट हो जाएगा हमारा हैबिट. ये जो है फ्री लिविंग भी होता है और पैरासाइट भी, ठीक है. डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके पास कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल होता है. With two opening, mouth and anus. Body wall, three layer इसके पास भी होता है. Cuticle, जैसे हमने किसमें देखा था, Ascelminthes में. क्यूटिकल के बाद क्या था, एपिडर्मिस. और एपिडर्मिस के बाद क्या था, नीचे उसके मस्कुलर लेयर. क्यूटिकल क्या करता है, डेड होता है, रिजिड होता है. डेड है तो क्या फंक्शन होगा, प्रोटेक्शन. कोई भी चीज जो डेड होता है हमारे बॉडी में अगर प्रेजेंट होता है उसका फंक्शन एक ही होता है, दैट इज प्रोटेक्शन. जैसे हमारी स्किन जो है ये डेड लेयर से बनी है तो उसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन. Protective in nature. Epidermis. जब हमने Ascelminthes का epidermis देखा था तो वो syncytial था, मतलब कि उसके जो cells थे वो मल्टी न्यूक्लिएटेड थे. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये जो है annelida में epidermis यूनी न्यूक्लिएटेड होता है. तो ये present beneath cuticle and uni न्यूक्लिएटेड. मस्कुलर लेयर, जब हमने Ascelminthes में मस्कुलर लेयर देखा था तो वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्जिट्यूडनल मसल फाइबर से बना होता है. यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल के साथ साथ सर्कुलर मसल फाइबर भी प्रेजेंट होता है. तो अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो आपको ईजी याद रखने में बहुत हेल्प मिलेगा. सो ऑलवेज स्टडी कंपैरेटिवली कि इसमें ऐसा था, इसमें ऐसा है, तो दैट विल हेल्प यू टू रिमेंबर पॉइंट्स. It has two layer या two muscle fiber, circular and longitudinal. इसके पास circular और longitudinal दोनों ही muscle fiber यहाँ पे प्रेजेंट होता है. फेरिंग्स, इसके पास जो फेरिंग्स होता है वो वेल डेवलप्ड होता है ताकि खाना को ये सक कर सके. तो वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स इट हैज. इट हैज वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स. Why? To suck food. Food को चीज़ों को suck करने के लिए इसके पास well developed muscular pharynx होता है. अब next आता है excretory system. हमने देखा था कि जो Ascelminthes में excretory system था वो proto-nephridia type था, cell था, basic था. इसके पास थोड़ा advanced type of nephridial system होता है
इसे कहते हैं मेटानेफ्रिडियल टाइप। एक्सक्रीशन, तो पहले ऐसे डायग्राम इसका देख लेते हैं, थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज माउथ, यहाँ पे ऐसे ये सीलिएटेड है ऐसा, सो दिस इज माउथ। ये जो होता है सक करने के लिए वेस्ट मटेरियल जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है बॉडी वॉल। दिस इज बॉडी वॉल, यहाँ पे लाइंड होता है ये जो नेफ्रिस है, एक्सक्रीशन जो है वो नेफ्रिडिया से होता है, नेफ्रिडिया है इसके पास, और ये जो नेफ्रिडिया वो कैसा है मेटानेफ्रिस टाइप, मेटानेफ्रिस टाइप। इससे पहले प्रोटो था, ये क्या है मेटानेफ्रिस टाइप है। ये जो है यहाँ पे दिस इज माउथ, ये किससे काम आता है यूज फॉर सक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल, तो यहां पे लिख देते हैं यूज्ड फॉर सक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो उसे सक कर लेता है और वो यहां पे फिर सीलिया के थ्रू ये ट्यूब के अंदर, ये क्या है सीलिएटेड माउथ है इसका, सीलिएटेड ओपनिंग, सीलिएटेड के बीटिंग मूवमेंट से इसे ट्यूब तक भेजता है। अब ये जो है ये एक्सक्रीटरी पोर है, ये क्या है एक्सक्रीटरी पोर, ये दो तरह का होता है। अगर ये एक्सक्रीटरी पोर तो डायरेक्टली बॉडी वॉल, मतलब कि यहाँ पे जो इसका ये गट वॉल है यहाँ पे जहाँ पे ओपन होगा, यहाँ से इसने ल्यूमिन से वेस्ट मटेरियल सक कर लिया है। एक्सक्रीटरी पोर डायरेक्टली बॉडी के बाहर अगर ओपन हो रहा है तो उसे एक्सोनेफ्रिस टाइप बोलते हैं। लेकिन अगर यही एक्सक्रीटरी ओपनिंग जो है एलिमेंट्री कनाल के अंदर ओपन हो रहा है और वहाँ से वो वेस्ट मटेरियल और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दोनों ही एनस के थ्रू साथ में ओपन हो जाएगा, तब उसे बोलते हैं एंटरोनेफ्रिस। एंटरो हमेशा गट के लिए यूज़ किया जाता है, इंटेस्टाइन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये एक्सक्रीटरी पोर जो है इट इज़ ऑफ टू टाइप, टू टाइप किसके ऊपर डिपेंडिंग अपॉन वेयर इट्स ओपन। ठीक है, अगर आउटसाइड बॉडी वॉल अगर ये ओपन होता है तो क्या नाम होगा इसका एक्सो, क्योंकि बाहर है ना, तो एक्सोनेफ्रिस, एक्सोनेफ्रिडिया। और अगर इन एलिमेंट्री कनाल तो क्या हो जाएगा एंटरोनेफ्रिडिया, क्योंकि गट में एलिमेंट्री कनाल में ओपन हो रहा है उसके लिए एंटरो वर्ड यूज किया जाता है एंटरोनेफ्रिडिया। ये सॉरी दिस इज बॉडी, दिस इज़ बॉडी कैविटी, ये माउथ है, इसको नेफ्रोस्टोम भी बोलते हैं, तो यहाँ पे इसके लिए यूज़ कर लेते हैं, इधर लिख देते हैं नेफ्रोस्टोम।
जो बॉडी कैविटी से सक करता है वेस्ट मटेरियल, सिलिएटेड के थ्रू यहाँ जाता है, फिर एस्क्रिटरी पोर में जाता है, जो दो जगह ओपन हो सकता है, इधर बॉडी के बाहर बॉडी वॉल में या एलिमेंट्री कनाल के अंदर, गिवन दैट इट हैज़ टू नेम। तो ये हो गया एस्क्रिटरी सिस्टम। एडवांस टाइप है थोड़ा सा, आप देख सकते हैं एस्केलमेंटे से, बट उतना भी एडवांस नहीं है जितना हमारे अंदर प्रेजेंट होता है। तो इट इज़ मेटानेफ्रिडिया टाइप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट किस टाइप का एस्क्रिटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है नीडा के अंदर, मेटानेफ्रिडिया टाइप। तो ये है नेफ्रोस्ट, हैज थ्री पार्ट, नेफ्रोस्टोम, ये है ये ट्यूब्यूल है, ये पूरा का पूरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसे ट्यूब्यूल कहते हैं, और आखिरी पार्ट है एस्क्रिटरी पोर्ट से। तो तीन पार्ट से ये बना होता है, नेफ्रोस्टोम सीलिएटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप नहीं होता है, नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज प्रेजेंट। तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, थ्रू द बॉडी सरफेस। रेस्पिरेशन, नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज प्रेजेंट। तो रेस्पिरेशन कैसे होगा, थ्रू बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन। इसके लिए इनकी जो स्किन होती है वो थोड़ी सी मॉइस्चर वाली होती है, ताकि डिफ्यूजन के लिए इजी पड़े, ठीक है। सर्कुलेशन, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हमने देखा था अब तक जितने भी फाइलम, हमने पांचों फाइलम पढ़े हैं, उनमें कहीं भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। सर्कुलेशन उनका आराम से थ्रू ऐसे वाटर के थ्रू ही हो जाता है। तो इनमें ऐसा नहीं है, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दे हैव बोथ द सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ओपन, जहाँ पे ब्लड डायरेक्टली आपके हर एक ऑर्गन के टिश्यू के कॉन्टैक्ट में हो, और क्लोज, जहाँ पे ब्लड जो है वो आर्टरी या ब्लड वेसल के थ्रू फ्लो करता है। तो दोनों सर्कुलेटरी सिस्टम इसी फाइलम से स्टार्ट हुआ है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो यू शुड रिमेंबर इट। बोथ सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्टेड From here. Mostly क्या होता है, Mostly they have open circulatory system. Mostly they have open circulatory system. हमने already explain किया है, open circulatory system होता है जहाँ पे blood directly tissue के contact में हो, कोई blood vessel ना हो। एक्सेप्शन कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट लीच। लीच के पास क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो यहां पे हो गया सर्कुलेशन। अब इनका हमारे पास जो ऑक्सीजन जो है वो जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, आरबीसी के थ्रू। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जिस पे ऑक्सीजन बाइंड कर लेता है। इनमें भी ये हीमोग्लोबिन तो प्रेजेंट होता है, इसके लिए इनके ब्लड का जो कलर क्या होता है वो रेड होता है। बट ये हीमोग्लोबिन आरबीसी के ऊपर नहीं प्रेजेंट होता है, ये डायरेक्टली प्लाज्मा, मतलब इनका जो ब्लड है उसमें डिजॉल्व हो जाता है, किसी सेल के ऊपर नहीं प्रेजेंट होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, उसके नीचे ही हम लिखेंगे सर्कुलेशन के, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, क्योंकि कुछ कुछ में रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, जैसे इंसेक्ट में आप उनको अगर किल करेंगे तो ब्लड व्हाइट कलर का निकलता है, इसका मतलब क्या है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। इसको इरिथ्रोक्रूरोरिन भी बोलते हैं, और इरिथ्रो इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूरोरिन, इरिथ्रोक्रूरोरिन। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, इसका हीमोग्लोबिन है, इसके ब्लड का कलर क्या होगा, रेड होगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हीमोग्लोबिन
इज नॉट प्रेजेंट ओवर आरबीसी या इन आरबीसी बट डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा. ठीक है. दूसरा, इनके बॉडी का जो शेप होता है वो भी मेंटेन कैसे होता है. हमने इससे पहले एस्केल्मिन्थस में सुडोसिलोमिक फ्लूइड पढ़ा था, तो इसके अंदर भी सिलोमिक फ्लूइड, यहाँ पे सुडो था तो इसके पास सिलोम है, तो यहाँ पे सिलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो हाइड्रोस्केलेटन का काम करता है, जो बॉडी शेप को मेंटेन करता है क्योंकि इनमें भी कोई स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है. उसके बाद इनके पास भी जैसे हमारे अंदर WBC होता है जो इम्यून सेल का काम करता है, जो इन्फेक्शन को किल करता है, इनके पास WBC तो नहीं प्रेजेंट होता बट WBC की तरह सेल प्रेजेंट होता है जिसे अमीबॉइड सेल कहते हैं. सो ये हम इसके अंदर ही लिख लेते हैं सर्कुलेशन के अंदर. दे हैव सेल्स लाइक WBC नोन एज amoeboid cells. ठीक है. नेक्स्ट टॉप पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो है सिलोमिक फ्लूइड. इट इज फ्लूइड प्रेजेंट इन सिलोम act as hydroskeleton. तो ये fluid को क्या कहते हैं? Hydroskeleton, पानी वाला skeleton. Function क्या करता है? Skeleton क्या करता है? Body shape को maintain करता है. तो ये भी क्या करेगा? Maintain body shape, provide strength and help in circulation. इनमें स्केलेटल सिस्टम क्या है? एब्सेंट है, तो वो वाला पॉइंट लिख देते हैं. स्केलेटल सिस्टम एब्सेंट. तो यहां पे हमने ये सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, आप उसको रिवाइज कर लीजिए. नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट फ्रॉम किसका? नर्वस सिस्टम. यहां पे नर्वस सिस्टम जो है वो एडवांस टाइप डेवलप हो जाता है, तो हम वो पढ़ेंगे, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फाइनली एग्जाम्पल्स. तो आप इतना रिवाइज कर लीजिए. थैंक यू.